पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यशोमती मैया के नंदलाला। कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? दाऊ के मन में यही शंका थी बाबा। उन्हें भी मैंने यही कहा था कि मैया को कभी ना कभी तो मेरा रहस्य पता चलना था। किसी और से जानकारी मिलती तो उन्हें अधिक दुख होता, इसीलिए मुझे लगा अच्छा यही है कि इन्हें मेरा सत्य से मुझसे पता चले। वैसे भी मैया से भीड़ छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। इतने वर्षों में मैं जब जब मैया से कुछ भी छुपाता था तब तक मेरी हृदय को भी पीड़ा होती थी। मैं समझ सकता हूँ गाना। क्या सोच रहे हो? कछुना। क्या कछुना? तो भी है जिस सारे बालक कल रात से भूखे हैं। दो काना, चल। लगता है सब ठीक है। क्या ठीक है? कछु ठीक ना है, बहुत कठिन है, पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। ठहर, तू कहां जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है, समझ आई? अब आके कछु खा ले। आ? ले खा। पहले आप खाओ मैया। तू खा पहले। मैंने कही ना, तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है, इसीलिए अब चुपचाप खा और जे मत ही सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं काना, कस के डांटूंगी और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी, और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल, यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। मैया छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से वन जाना है? फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो। बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं,
तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों जाओ? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा, कहा है कि पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल लाए। इतने शीघ्र फल नहीं आते का ना, कम से कम एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो एक वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के विशेष दिन को स्मरण रखना सकाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है, आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम, कहाँ थे तुम? अच्छा, तुम्हें पता है महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे, वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या, ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है, वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है। पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सब की ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गौवंश का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते, इन्हें तो कहीं नहीं संभालेगा। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए सब, अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अघासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है, ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की भिक्षा मांगेगा मुझसे। चलू बलराम के लिए जो हो बहुत विशेष। जेफल उसे बहुत प्रिय है। पत्तरी के रत्न, भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तो कैसा कछू ना देखो, अद्भुत।
चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत मिल जाए। जो गंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है, उसके भीतर कछु ना कछु सुंदर मिलेगा ही। तो सच्चे में अजगर हुआ तो कहना है ना, बच्चा के बाहर निकाल देंगे, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।